हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा कांग्रेस सहित निर्दलीय ने भरा नामांकन। विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रत्याशी और कांग्रेस से बगावत करने वाले वालाराम चौधरी ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन भरे। सिवाना विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों शोरों पर हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन भरे। कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज प्रताप सिंह ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने कार्यालय से सैकड़ों की तादाद में समर्थकों के साथ मुख्य चौक से होते हुए उपखंड कार्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा की ओर विधायक हमीर सिंह भयाल ने भी अपना नामांकन दाखिल करवाया। मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा के प्रत्याशी विधायक हमीर सिंह भयाल ने अधूरे पड़े विकास कार्य पूर्ण करवाने और सरकार की ओर से किए गए क्षेत्र में विकास की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस से बगावत करते हुए वालाराम चौधरी ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करवाया। पत्रकारों से बातचीत में वालाराम चौधरी ने कहा कि अभी मैं पार्टी से बागी नहीं हुआ हूं, ये असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस की लड़ाई है। इसके कारण मुझे निर्दलीय के रूप में ताल ठोकनी पड़ी। जब वालाराम चौधरी अपने नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके साथ पूर्व विधानसभा चुनाव लड़ चुके महंत निर्मल दास पहाड़ सिंह कुंडल मौजूद रहे। सिवाना से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।